जी, ये बीज है सोयाबीन को इनके रख दो एक तगारी में, एक तरफ फिर अपन मक्का को बीज उपचारित कराएंगे। एक किलो मक्का को बीज, मक्का का बीज के उपचारित करने में, और ये एजेक्टोबैक्टर है। एजेक्टोबैक्टर को काम यह है कि जो यूरिया अपन खेत में डाला फसल के देवाने, तो कहीं है कि आधो तो लग जाए और आधो पौधा के नहीं लगे, आधो ऐसे ही जमीन में पड़े रहे, तो कहीं है कि अगर बीज इससे उपचारित कराऊंगा तो जो यूरिया है वो के यूरिया के घुलने को काम करे, और जब घुल जाएगा तो पौधा के आसानी से मिल जाएगा और पौधा की बढ़वार अच्छी होगी। इसके लिए जो बीज है मक्का को, इससे बीज उपचारित करना है। और अपना पास ये PSB है, PSB वो है सभी फसलों के लिए में लिखे है, यानी ये सुपर खाद के घुलने को काम करे, है नी। और अपना पास ये ट्राइकोडर्मा है, यो पैकेट है उसको, तो इको काम है फफूंद नाशक, है नी, जब सुकटो रोग लगे, है ना, फफूंद नाशक मतलब सुकटो रोग लगे तो उसका इससे उपचारित करना चाहिए, तो जिससे वो बीमारी नहीं आए फसल में। गोबर थोड़ा सा लेना है खाली, ये एक किलो, जैसे ये बीज है अपने पास, है नी, तो ये थोड़ा इसमें नमी आ जानी चाहिए, ताकि अपन कल्चर जो डालेंगे नहीं तो आसानी से चिपकी जाए। इका लिए गोबर थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, ऐसा कर मिले थे। ये 5 ग्राम एजेक्टोबैक्टर कल्चर मिला हुआ, इस तरह के ऊपर पूरा पे मिले दो, और उसके बाद में ये ट्राइकोडर्मा, ये भी 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम मिला होना है, मतलब तीन पैकेट में से अपन के 5 ग्राम, एक किला पे, एक किला बीज पे 5-5 ग्राम, ये एक भी ऐसे ऊपर पूरा बीज पे फैले देना। और 5 ग्राम PSB कल्चर, ये मिली, मिलाओ जी आप इनके, ऐसा फिर मिला देना। ये अच्छा मिला दो इनके, है ना, ताकि ये गोबर भी अच्छा मिल जाए, और अपन के बोने में कहीं 53 में अटके भी नहीं हो, है ना। ये मक्का को बीज है ना, अपन ने उपचारित अभी कर ले पूरा, पर ये सावधानी रखनी है कि इनके छांव में रखना है, अगर अपन ने मान लो कि धूप में रखी दो तो कहीं घाम के कारण बहुत सारा जीव मर जाएंगे। और दूसरा है कि अपन बोई रहा, अरे मान लो तगारी भरी वहाँ भी ले गया बीज, है ना, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखो, थैली पे धक्की न रखना है कुछ, है ना, ये तो खराब हो सकता है। और जितना बीज लगे उतना ही अपन के उपचारित करना है, ऐसा नहीं कि अपन ने बहुत ज़्यादा बीज उपचारित कर लिया और फिर पानी के बीच में तो अपन की बॉडी रुकेगी, वो तो गलत हो जाए ना, तो अपन के सारा ध्यान रखना है कि बीज जितना लगे उतना ही करना है। और फिर ये है कि मिलावण भी अच्छे तरह से, मान लो कि कोई 53 से बो रहा, कोई हाथ से भी मक्का लगाए, हाथ से लगाएगा जब तक ठीक इतनी बात नहीं है, लेकिन मान लो कि 53 से बोता होगा तो कहीं कि वो अटकी जाएगा, तो फिर उनके बोने में दिक्कत आई के लिए अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और इसका बीज उपचारित करने से तो अपन के कहीं कहीं फायदा होती है, फायदा ये है कि जैसे अपन ने मिलाया तो ये PSB कल्चर, तो कहीं है कि जो सुपर खाद रहे नहीं उनके घोलने का काम करे, अपन सुपर खाद मक्का में देवा, है नी, तो कहीं है कि ऊपर ऊपर धर देवा या जमीन में थोड़ा सा पौधा के गाड़ भी देवा, गोड़ में तो वो तो लगेगी और थोड़ा बहुत नहीं लगे तो घोल देगा, तो फिर बाद में वो भी मिल जाएगा। इसके लिए पौधों की वृद्धि है ना बढ़वार अच्छी होगी, है नी। और दूसरा अपने पास एक एजेक्टोबैक्टर, वो यूरिया खाद के घोलने को काम करे, जैसे यूरिया खाद अपने डाल दियो, है नी, आधो तो लगी गया फिर कहीं नहीं लगे, है नी, वो जमीन में ऐसे पड़े रहे तो कहीं है कि उसके घोल देगा तो फिर वो भी लगी जाएगा। ठीक है, लिए एजेक्टोबैक्टर को काम यो है। और अपने पास एक ट्राइकोडर्मा भी है, ट्राइकोडर्मा को ये फायदा है कि ये तुअर की जो जड़ दिखाई, तो अपन उपचारित कर ले तो कहीं होगा कि ये जो ट्राइकोडर्मा का जो जीव रहे ये एक आवरण की तरफ रहेगा, ये सा है नी, तो कहीं है ये दूसरा जीव जो नुकसान पहुँचाने वाला आएगा, है नी, वो आएगा तो कहीं कह रहे ये ट्राइकोडर्मा वाला जीव उनके खाई जाएगा, और जो सूखने की बीमारी है उससे अपन बच सकता, तो ये अपना फायदा है। ये कल्चर कहाँ मिलेगा? ये कल्चर अपना क्या है सोसाइटी में मिलेगा, हाँ। या फिर ग्राम जो सेवक है नी, हाँ। है नी, वहाँ मिलेगा अपने के। ये बीज अपन ने उपचारित करे अभी,
ये विधि समझ में आएगी तुम्हारे? हाँ जी। तो जैसे भी मान लो तुम्हारे बीज बोनो है, मक्का हो, सोयाबीन हो, तुअर हो, कोई सो बीज हो, तो अपन क्या उपचारित करे नहीं बोनो है, बिना उपचारित करे बीज नहीं बोनो है, क्योंकि बिना उपचारित बीज कराने बोगा तो अपन के बहुत सारा नुकसान होगा उसमें। जो बताए कि लाल तुअर में सुखता लग जाए, फफूंद की बीमारी आए, जो सुपर खाद है तो कड़क नहीं लगे तो के घोलने का काम, इस तरह का जो बहुत सारा नुकसान है उससे अपन बच ही सकता। तो ये बिना उपचारित बीज अपन के नहीं बोना है। और जो भी अपना किसान भाई है, अड़ोसी पड़ोसी है, या अपना गांव का किसान है, समूह का किसान है, तो ये सारो बताना है और बीज के उपचारित कर ही नहीं बोना है। ट्राइकोडर्मास बीज तभी उपचारित करना चाहिए जब फसल में सूखता रोग या फफूंद की समस्या होए।